एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। इस साल हरिया ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। शाम तक उसके लगभग सारे बैंगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से बैंगन ही बचते हैं। हरिया बचे हुए बैंगन लेकर निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी होती है। हरिया अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो हरिया को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। वो चुड़ैल उस आदमी को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बैंगनों पर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैंगनों को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद वो एक बैंगन खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वाद लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे बैंगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैंगन खाने का मन होता है। वो सोचती है कि क्यों ना उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी बैंगन मिल जाएंगे। वो जल्दी से हरिया की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। हरिया को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हरिया को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देता है। चुड़ैल बैलगाड़ी में बैठकर हरिया के घर तक पहुँच जाती है। हरिया तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। लता, अरे ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे आप आ गए, मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ, जब तक आप मुँह हाथ धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे बैंगन तो कहीं नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और हरिया के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही हरिया सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाता है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। हरिया खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैंगन दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए, मिल गए, आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढी ली। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैंगन खाने लगती है। हरिया थोड़ी देर के लिए कहीं काम से जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे बैंगन खा जाती है। जब हरिया वापस आता है तो खेतों से सारे बैंगन गायब देख बड़ा हैरान होता है। अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लदे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हरिया वहाँ सर पकड़कर रोने लगता है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल हरिया को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे सब कुछ ठीक करे जिससे हरिया का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे बैंगन मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन हरिया इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाता है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू करती है। वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो बैंगन के पौधे उगने शुरू होते हैं।
चुड़ैल उनको देख बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है, पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़ी बड़े हों। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्दी बड़ा किया जाए, जिससे कि उसमें समय से पहले ही बैंगन उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ उसका वास था। वहाँ जाकर वो अपनी चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। हे चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं। क्या, ये तू क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वाद लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारा इस सदमे में बीमार हो गया, बहुत रो रहा था, तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से बैंगन की खेती शुरू कर दी, पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। बेचारा वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा? उस बेचारे के घर में उसकी बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है। पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है। वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर भी गिर गया तो वो बच्चा भी पल भर में आदमी बन जाएगा, इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना होगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी तय करती है। उसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक भी पहुँच ही जाती है। वहाँ से जादुई पानी भर कर चुड़ैल सीधा अपने बैंगन के खेतों में पहुँचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ बैंगन ही बैंगन लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली, मैंने इतने सारे बैंगन उगा ही दिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। उसके बाद उसे बस हरिया के खेतों में आने का इंतजार रहता है। हरिया जब ठीक हो जाता है तब वो खेतों को देखने जाता है। खेतों में पहुंचकर जब हरिया हजारों बैंगन अपने खेतों में लदे हुए देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले मेरे खेतों से सारे बैंगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे बैंगन अचानक से उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैंगन वापस मिल गए। हरिया सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरों में भरने लगता है। धीरे धीरे करके सारे टोकरे बैंगनों से भर जाते हैं। हरिया सारे टोकरे अपनी बैलगाड़ी में रखता है। घर जाकर लता को सारी बात बताता है। लता तो ये बातें सुनकर चौंक ही जाती है, उसे हरिया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मुझे लगता है आप पागल वागल हो गए हो। अरे भगवान, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ, तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। लता जब बाहर जाकर बैलगाड़ी देखती है तो वाकई में बैलगाड़ी बैंगनों के टोकरों से भरी हुई होती है। लता ये देख बड़ी खुश हो जाती है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हुआ तो कैसे हुआ। उनके लिए ये तो कोई चमत्कार ही था, पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। हरिया और लता तो उसे देख बड़े घबरा जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। चुड़ैल फिर हरिया और लता को सारी बात बताती है।